हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज पान के औषधि गुणों के बारे में जानते हैं कि इनका उपयोग हमारे जीवन में कितना लाभकारी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर करके बताएं मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है, और आगे का वीडियो आप देखिए जिसमें मैं साइनस की प्रॉब्लम्स रिलेटेड जानकारी दूंगी आपको। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि गेंदे के फूल से साइनस का कैसे मैंने बताया था, इस्तेमाल कैसे किया जाता है साइनस के लिए। साइनस की प्रॉब्लम से अगर बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, इतना परेशान हो चुके हैं कि ऑपरेशन करने की नौबत आ चुकी है, आइए दोस्तों पहले ये जान जाते हैं कि साइनस का ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहिए। साइनस का अगर हम ऑपरेशन करवाते हैं तो फिर उसी तरह बन के आ जाता है, फिर उसी तरह उभर जाता है वो चीज़। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए ऐसा उपाय लेके आई हूँ कि जिससे आपको साइनस की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, पान के कुछ पत्ते ले लीजिए और इनका रस निकाल लीजिए और इन्हें आप दो दो बूंद नाक में हमेशा डालिए। ऐसा करने से आपको साइनस की समस्या से बहुत ही जल्द छुटकारा मिल जाएगा। ये रामबाण इलाज है साइनस की समस्या का। दोस्तों, याद रहे इनके पत्ते ताजे हों और जहाँ तक हो सके दोस्तों ऑपरेशन कराने से आप बचिए साइनस का, क्योंकि उससे कोई भी फायदा नहीं होता है, वो फिर से उभर के आ ही जाते हैं। दोस्तों, अगर इनका उपयोग आप नियमित रूप से करें तो बहुत ही आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, इसकी कटिंग को बहुत ही आसानी से आप घर में लगा सकते हैं। अगर आप घर में लगा लेंगे तो इनके पत्ते आपको हमेशा ताजे ही मिलेंगे, जो आप जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी कटिंग को कैसे लगाया जाए, लास्ट का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए औषधि गुड़ों के बारे में जानने के लिए। लास्ट की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, जिनमें मैं बताऊंगी कि पान की कटिंग कैसे लगाई जाती है। ओके दोस्तों।
बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। और इनकी कटिंग आप जब भी लगाएं, हरे भरे हो जाएं, इनमें हमेशा आप पानी ज़रूर डालते रहें, क्योंकि पान के पत्ते को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। और ये हरे भरे रहते हैं, बेल की तरह होती है, इनकी सारी पतली पतली शाखाएँ होती हैं दोस्तों, ये देखिए। इन्हीं में से कुछ एक शाखाएँ ले लेनी है जो कि जड़ में ना हो, और एक थोड़ा सा किसी पॉलीथीन में या किसी डिब्बे में आप मिट्टी ले लीजिए और उसी गमले में आप रख दीजिए। और मिट्टी के साथ, खाद के साथ, देखिए मैंने कैसे इसको लगाया है, दबा दीजिए उसमें। और जब इनमें से ये जो पॉइंट है, इसमें से जब पत्तियाँ निकलने लगे दोस्तों, तो आप इनको पीछे का हिस्सा कट कर दीजिए। ध्यान रहे दोस्तों कि जब इनमें 4-5 पत्तियाँ निकल जाएँ तभी आप पीछे का हिस्सा कट करें। ये देखिए आपके गमले कितने हरे भरे हो जाएंगे पान के पत्तों से, जिनका आप इस्तेमाल हमेशा कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।